डेली करंट न्यूज में इस वक्त की खबर है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बैठक। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA और वेस्ट अफ्रीकन पावर पूल यानी WAPP द्वारा एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। ये बैठक 14 से 18 फरवरी तक नई दिल्ली में की जा रही है। इस बैठक का उद्देश्य सौर परिनियोजन में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री और ISA असेंबली के अध्यक्ष RK सिंह ने ज्ञान और प्रथाओं के साझा करने के महत्व पर जोर डालते हुए भारत के अनुभव पर भी प्रकाश डाला। बैठक का आयोजन ISA ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ग्रिड इंडिया और WAPP के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें 13 WAPP देशों के 60 प्रतिभागी शिरकत करेंगे। ये देश हैं बेनिन, बुर्किना फासो, कोट डी आइवर, गाम्बिया, घाना, गिनी, लाइबेरिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल, सियेरा लियोन और टोगो। ये देश सौर ऊर्जा कार्यान्वयन के पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए ज्ञान साझा करेंगे। अब बात करें ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो ये एक भारतीय पहल है और संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी परिकल्पना 2015 में पेरिस में COP21 के दौरान की गई थी। इसका उद्देश्य सदस्य देशों में सौर ऊर्जा के विस्तार हेतु प्रमुख चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान करना है। इसकी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था ISA असेंबली है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। वर्तमान में 110 देश ISA फ्रेमवर्क समझौते के हस्ताक्षर करता है। इसका सचिवालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। इसके वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर हैं। आपको बता दें कि ISA अपनी टूवर्ड्स 1000 रणनीति द्वारा निर्देशित है, जिसका उद्देश्य 2030 तक सौर ऊर्जा समाधानों में $1000 बिलियन का निवेश जुटाना है। अब नजर डालते हैं WAPP यानी वेस्ट अफ्रीकन पावर पूल पर। तो ये इकोवास यानी इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स की एक विशेष एजेंसी है। इसमें इस क्षेत्रीय आर्थिक समुदाय के 15 में से 14 देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने और विकसित करने के साथ ही इकोवास सदस्य राज्यों के बीच बिजली विनिमय का समन्वय करना है। इसका मुख्यालय बेनिन के कोटोनू में है।